आज ना लेफ्ट ओवर इडली की रेसिपी बनाते हैं, तो हम जब भी हमें इडली वगैरह बनाते हैं तो बचती होगी, नहीं बचती तो बचा देना, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो क्या करो, इडली को बारीक बारीक काट के उसको रोस्ट कर लो, फ्राई नहीं करेंगे, रोस्ट करना है। और फिर ग्रेवी बनाने के लिए वो सब जैसे घर में क्या होता है अपनी श्रद्धा अनुसार डाल देना उसमें, और फिर सॉस डाल दो, और सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह सब डाल डाल के उसको मिक्स कर लेना। और ये बनती है बहुत टेस्टी होता है, प्लीज ट्राई करना ना। और इसमें फिर पानी डाल के थोड़ा सा और मैदे का घोल बना लेना, मैं तो क्या उससे क्या ग्रेवी थोड़ी अपनी भारी हो जाएगी ना। तो मैंने क्या गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया क्योंकि ग्रेवी पतली हो गई थी। फिर बस ऐसे मिक्स कर दो, और फिर उसमें नमक डाल दो और लाल मिर्ची पाउडर डाल दो, और फिर मिक्स कर लो है ना। और इसमें हाँ क्या डालना है, हाँ धनिया पाउडर, गर्म मसाला वगैरह इसको डालना, और थोड़ा मैंने क्या तीखा तीखा हो गया था तो फिर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी, और थोड़ा सा सॉस और डाल दिया था। नहीं ऐसे बहुत अच्छी होती है, प्लीज़ 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 ट्राई करना लेफ्ट ओवर इडली रेसिपी है ना। तो अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी ग्रेवी को इडली में डाल देना जितना आप चाहो, उसके ऊपर चॉपिंग कर देना हरे प्याज धनिया वगैरह की, और बस इन्जॉय करना। ठीक है, बाय।